अंकित पीछे आ जा। एक सेकंड बेटा, अंकल ने मोबाइल पीछे लुआ है। साइलेंस। तस्वीर क्या आप चिपके करें क्या? Thank you.
had given me the input black and white. How many patients are there? अरे पेंटिंग की जगह छोटी खबर बता भैया हो गया बस हो गया समस्या नहीं अरे सवारी का ओके प्लीज जल्दी आ जाओ भाई जल्दी आ जाओ भाई भाई मेरे चलो तो पीछे आ जा है ना यार इधर चलो रेडी भाई सर सर मम्मी बाया हाथ से जला रहे दाया हाथ से जला रहे सर यहाँ पे सर आया मोमबत्ती दिखी नहीं रही है यहाँ अच्छा आइए आइए चलो बेटा तुम एक पिक्चर कर साथ में हेलो हाँ थैंक यू अच्छा भाषा इंग्लिश हिंदी क्या अबे दोनों अलग अलग तो नहीं करेंगे बहुत रिपीटेशन लगेगा तो साथ ही आ जा मिक्स इट ये होता है एक बार इंग्लिश में बोला फिर दूसरी बार हिंदी में जरा फ्रॉड लगता है अब ये तो तय नहीं है कैसे जी 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 अच्छा ऑल राइट नाउ साइलेंस लेट मी मेक माय रिमार्क यू सी आई बिलीव व्हेदर इट इज पेंटिंग और स्कल्पचर और म्यूजिक और पोएट्री और फिक्शन राइटिंग व्हाटएवर एनी फॉर्म ऑफ आर्ट इफ यू हैव रीजनेबल टैलेंट एंड इफ यू वर्क हार्ड यू कैन डू रीजनेबली गुड वर्क बट व्हाट इज मोर डिफिकल्ट देन डूइंग गुड वर्क इज योर ओन वर्क I believe that all of you who have come here, जिन्होंने ये सारी तस्वीरें देखी हैं अब आप जिंदगी में कहीं भी किरण चोपड़ा की बनाई हुई पेंटिंग देखेंगे तो आपको नाम नहीं पढ़ना पड़ेगा आप पहचान लेंगे किरण चोपड़ा की ये बहुत बड़ी बात है ये बहुत कम पोएट्स में बहुत कम म्यूजिशियन में बहुत कम पेंटर्स में होती है कि उनका नाम ना भी लिखा हो तो आप पहचान लेंगे पोएम किसकी है ट्यून किसकी है पेंटिंग किसकी उनका इतना इंडिविजुअल स्टाइल होता है और ये हम कह सकते हैं किरण चोपड़ा के बारे में कि एक इंतहाई इंडिविजुअल स्टाइल है देखिए सारी तस्वीरें जो हैं ब्लैक एंड वाइट में हैं ब्लैक एंड वाइट में डेप्थ ढूंढना बड़ा इसलिए कि वो कैनवास तो वाइट है उसके ऊपर ब्लैक है तो ब्लैक में कितने अंदर चले जाओगे ब्लैक तो बंद कर देता ना दरवाज़ा लेकिन आप ये देखिए कोई भी पेंटिंग के सामने खड़े होइएगा किसी भी कैनवास के सामने तो आप ये देखेंगे कि उसमें लेयर्स कितनी हैं उसमें गहराई कितनी है दो कलर के अंदर एक कलर वो जो फ्रेम का है दूसरा जो काला है इसमें इतनी लेयर्स पैदा करना हंसी खेल नहीं है और कितनी बात कह देना एक तस्वीर के सामने खड़े रहिए खूब देर तक और उसे देखते ही रहिए मैं तो एक बार फिर आऊँगा जब आप लोग यहाँ नहीं होंगे तब अकेले देखने आऊँगा इसलिए कि एक
के सामने, कैनवस के सामने आप खड़े होंगे तो आपको धीरे धीरे वो चीज़ें दिखाई देंगी जो पहली नज़र में नहीं दिखाई दी थी। और मैं बहुत बधाई देता हूँ किरण जी को, ये इट्स नॉट ओनली गुड वर्क, इट्स टोटली ओरिजिनल, हर ओन स्टाइल। दीज फ्रेम्स हैव नॉट रिमाइंडेड मी ऑफ एनी अदर पेंटर, ये मामूली बात नहीं है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। वो आपने ही क्रिएट की है, हाँ जी, ही बनाई है, एंड सर ने बोला कि आप हमारे घर भी आइए जी। हाँ, पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी, जावेद जी को बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूँगी कि उन्होंने अपना इतना कीमती समय देकर यहाँ पर इस माहौल को इतना जानदार बनाया, और हम सभी, मैं ही नहीं, आप सभी इनके प्रशंसक हैं। और इनके शब्दों के आगे मेरे शब्द, मैं खुद भी कविताएँ लिखती हूँ लेकिन मेरे शब्द जो हैं इनके शब्दों से डर के छुप गए हैं, वो कुछ बोल नहीं पाएंगे। आप किरण जी, तो अब ये देखिए, मैं पेंटिंग नहीं करता हूँ तो आपको भी सोचना चाहिए, है? अब आप पेंटिंग भी करती है, कविता भी लिखती है, है? तो चलिए गुड, बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत अच्छा। कविता सुनाना चाहूँगा। अच्छा, चलिए मेरी तुलिका साइलेंस। मेरी तुली का धरा से आकाश तक खींच सतरंगी लकीरें, चलती रहे अनवरत मेरी तुली का, जीवन के रंगों को समेटे उतरे चंद्र किरण के संग बन कला सरिता, पहाड़ों की चोटियों से गुनगुनाती, पत्थरों को काटती, जंगलों में घूमती, मैदानों में रेंगती उतरती लगातार, टेढ़े मेढ़े रास्तों से गुजरती, बढ़ती चले अविराम, सागर के दामन में छिप वह कला सरिता बन बहती चले गहराई की ओर, विशाल हिमगिरियों के शिखर पर जन्म ले चलती रहें अनंत गहराई की ओर, अनंत गहराई की खोज में, खोज को ही जीवन का लक्ष्य बना, बहती जाए इसी खोज में अनवरत अविरान, यही सत्य है, यही साधना उस खोज की। वाह, चलिए सर, सारे काम ठीक करती हैं, बहुत बहुत बधाई। आइए चलिए, एक दीप जला रहे हैं, दीप जला रहे हैं, थैंक यू, होगी बात तो सर, मैं कह चुका जो क्या कितना तो जी, आइए।